राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद हुए भावुक, पीएम पर साधा निशाना। धौरहरा से कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद का एक कार्यकर्ता सम्मेलन लहरपुर के नवीनगर में आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद भावुक हो गए। वे भावनाओं में इस कदर बह गए और कहा कि फिर से आपसे निवेदन करने आया हूँ, मदद कीजिए, मेरी साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका साथ मांगने आया हूँ। जितिन प्रसाद ने कहा कि फिर से आपका निवेदन करने आया हूँ, मदद कीजिएगा, मेरे साथ चाहिए है मुझे, आपका विश्वास चाहिए है मुझे आपका। तो ये आपका साथ मांगने आया हूँ। और एक बात पर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जहां जहां मैंने काम करवाया है वहीं बड़ी भाजपा, जहां रोड बनवाई वहां बोली भाजपा, जहां विद्यालय बनवा वहां बोली भाजपा, मतलब जहां काम कराए हम अब वोट ले जाते हैं। इसका इलाज क्या है भाई, काम के और विकास के वोट पड़ेगा बताओ, विकास के वोट है सुनाई नहीं है, आगे बोलो, विकास पे वोट है, काम पे वोट पड़ेगा कि हम जाए अपने घर बैठे और वोट ऐसे पड़ जाएगा जैसे और लोग वोट दे देते। अगर काम पे वोट है तो मैं मेहनत करूंगा और दुगनी मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा इसे, आप साथ दीजिए। और एक बार और बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत बात बता दो, बताऊं कि ऐसा हुआ कि 2009 में आपने मुझे सांसद बनाया, ऐतिहासिक जीत दिला, और 2014 में ऐतिहासिक हार दिला दिलाई नहीं। अब 2019 आ गया, इस चुनाव में ना अगर आप लोगों ने मेरी मैया पार नहीं कराई, प्रसाद को सफल नहीं बनाया, तो ये मेरी राजनीति का अंत होगा, समाप्त हो जाएगी मेरी राजनीति। जितिन प्रसाद को छोड़ना पड़ेगा, ये शेर किस मुंह से आऊंगा और क्या मुंह दिखाऊंगा दिल्ली में, पिछली बार में चलो हवा चल गई और हमें सफलता नहीं मिली, मगर इस बार 5 साल तो मैंने आपके बीच में हारने के बाद भी गुजारे हैं। और अगर आप चाहते हैं जितिन प्रसाद आपके बीच में बना रहे, तो जितिन प्रसाद के लिए बटन दबाना होगा आपको, वरना जितिन प्रसाद का ऐसा निर्णायक मोड़ आ गया है राजनीतिक जीवन में, जहां मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा, ना तो हमारी पार्टी में टिकट दे और ना ही हम हमारी इच्छा रह जाएगी। जब जनता ही नहीं चाहेगी तो हम क्या क्या हमारा क्या काम रह जाए, हमारी भी खेती है मैदानी में लखीमपुर, पता है हम भी जाके खेती करेंगे या क्या करेंगे, जनता ही नहीं चाह रही तो क्या करेंगे, चले जाएंगे हम अपनी खेती करेंगे, बहुत वहां छुट्टा जानकर घूम रहा होगा, हमारा लगाया हुआ चौकीदार सो रहा होगा, हम जाएंगे अपनी खेती करेंगे, रोली रोटी का इंतजाम करेंगे। ये सत्य है कि अगर जनता ने इस बार साथ नहीं दिया तो जितेंद्र प्रसाद को धौरहरा बहुत भारी दिन से छोड़ना पड़ेगा, बहुत भारी दिन से छोड़ना। नहीं ये बात नहीं, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, मगर ये मेरी व्यक्तिगत बात थी और आप ही मेरे परिवार हैं और आप ही मेरे, आप ही के बीच मैंने अपने जीवन के 13 वर्ष 15 दिन गुजारे, तो बताना तो जरूरी है कि किन परिस्थितियों से मेरा राजनीतिक जीवन गुजर रहा, मालूम होना चाहिए कि परिवार का सदस्य जितिन प्रसाद आप ही का बनाया हुआ, आप चाहेंगे जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंचेगा और आप चाहेंगे जितिन प्रसाद खेती करके अपने मैलानी फार्म जाएगा, क्या समझे